ओके गाइस, सब कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज के वीडियो में हम लोग जा रहे हैं अपने लिए एक और सर्वाइवल स्टार्टर, जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाला है। बाकी जिसे वीडियो लाइक कर लो, लाइक कर देना। जो भी चैनल पे नया प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब माय चैनल। बाकी लेट्स बिगिन द वीडियो। जोन वाला उसका लेआउट, जो नंबरिंग वगैरह वो आपको स्क्रीन पर दिख जाएगी। एंड अभी के लिए हमें क्या करना है, ये जो सेंटर वाली ग्रास है उसको हमें यहाँ पर ब्रेक करना है। इसके जगह पर हमें रिप्लेस करनी है वुड। हर बार की तरह मॉडर्न हाउस के अंदर हम जो फ्लोर है उसको हम कॉन्क्रीट का नहीं बना सकते, इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना यहाँ पर वुड लगाया जाए, थोड़ा सा ज़्यादा डिफरेंट और बढ़िया लगेगा। तो ओके, तो गाइस ये जो काम अपना कंप्लीट हो चुका है। एंड अब हमें क्या करना है, निकाल लेना ब्लैक कॉन्क्रीट्स। एंड जहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि मैंने ब्लैक कॉन्क्रीट्स लगाए हैं, वहाँ पर हमें 1, 2, 3 और 4 कंक्रीट और लगा देना है। एक वॉल क्रिएट कर देनी है 4 ब्लॉक्स की। तो मैं हर जगह पर यही सेम प्रोसीजर कर देता हूँ। यहाँ पर भी जितना मतलब जहाँ पर भी ब्लैक कंक्रीट लगे हैं वहाँ पर हमें एक 2, 3 और 4 ब्लॉक हमें ऐसे प्लेस कर देना, ताकि यहाँ पर एक वॉल टाइप बन जाए। तो गाइस ये काम अपना कंप्लीट हो चुका है। अब हमें क्या करना है, जहाँ पर हमने अपनी वॉल्स बनाई हैं, बेसिकली यहाँ पर जो हमने अपनी वॉल बनाई हैं उनको हमें साथ में कर देना कनेक्ट एक दूसरे से। यहाँ से लेके हमें प्रॉपर गोल चक्कर काटना है, यहाँ पर इनको सबको कनेक्ट कर देना है। तो गाइस ये भी अपना काम कंप्लीट हो चुका है। एंड अब हमें क्या करना है, अपनी रूफ को कवर करने के लिए यूज करने हैं ओके प्लैंक्स। जैसे कि आप लोग देख ही पा रहे हो कि नीचे मैंने यूज करे अपने फ्लोर को कवर, मतलब फ्लोर को कंप्लीट करने के लिए ओके प्लैंक्स। तो मैंने सोचा क्यों ना इसको भी मतलब अपनी रूफ को भी मतलब कंप्लीट करने के लिए ओके प्लैंक्स ही यूज करे जाए। ये काफी ज्यादा बेस्ट पैटर्न रहने वाला है। ओके गाइस, तो ये भी अपना काम जो है कंप्लीट हो चुका है। एंड अब हमें क्या करना है, दोबारा से निकाला है ब्लैक कॉन्क्रीट। एंड ये जो दो ब्लॉक्स हैं, मतलब ये जो दो पिलर्स हैं इनको हमें यहाँ पर इग्नोर करना है। एंड ये जो सारे के सारे पिलर्स हैं इनके ऊपर में 1, 2, 3, 4 मतलब 4 ब्लॉक की एक और वॉल हमें यहाँ पर क्रिएट कर देनी है। तो गाइस ये भी अपना काम हो चुका है कंप्लीट। एंड अब हमें क्या करना है, सेमली दोबारा से ये जो अपने सारी जो वॉल्स हैं इनको आपस में कनेक्ट कर देना, ताकि इसकी रूफ के अंदर हम लगा पाए क्रेक कॉन्क्रीट। क्योंकि अगर सीधी सी बात है, अगर ये सारे कनेक्ट होंगे तभी तो हम इसकी रूफ को फिल कर पाएंगे। तो यार कर देते हैं। ओके, तो गाइस सारे के सारे जो पिलर्स हैं उनको मैंने यहाँ पर कनेक्ट कर लिया है। एंड अपने घर का स्ट्रक्चर जो है बन के रेडी हो चुका है। एंड अब हमें क्या करना है, इसकी रूफ को भी फिल कर लेना क्रेक कॉन्क्रीट की हेल्प से। तो यार कर दे। ओके गाइस, तो यहाँ पर मैंने रूफ को भी कवर कर दिया। एंड अब हमें क्या करना है, निकाल लेना ओक प्लैंक्स। एंड हमें कुछ इतने यहाँ पर ओक प्लैंक्स मतलब एक फ्रेम यहाँ पर क्रिएट कर देना है कुछ ऐसे। एंड यहाँ पर हमें डार्क ओक के दो डोर्स यहाँ पर प्लेस कर देना है। ये तो अपना काम हो चुका कंप्लीट। एंड अब हमें क्या करना है, आ जाना है यहाँ पर ओक के प्लैंक से। हमें पहले तो यहाँ पर एक और बार एक फ्रेम को क्रिएट कर देना कुछ ऐसे। एंड इसके बीच में हमें यहाँ पर प्लेस कर देना है ब्लैक ग्लास, ब्लैक स्टेन ग्लास। तो ऐसे ही हमें सेम प्रोसीजर हर एक विंडो पर करना है। लेकिन जहाँ जहाँ पर हमें 5 ब्लॉक लगाए हैं, बेसिकली अपना जो लेआउट है, कहीं कहीं पर हमने 4 ब्लॉक लगाए हैं, कहीं कहीं पर हमें 5 ब्लॉक लगाए हैं। लाइक ये देख लो, ये 5 ब्लॉक एक लेयर है, तो हमें यहाँ पर 3 लेयर लगानी है, मतलब 3 ग्लास पेन के हमें यहाँ पर लेयर को लगाना है। देख लो ये जो अपना काम है आप कंप्लीट हो चुका है। एंड अब हमें यहाँ पर बेसिकली 6 ग्लास पेन हमें यहाँ पर लगाने हैं, ग्लास ब्लॉक हमें यहाँ पर लगाने हैं। एंड आगे कन्फ्यूज मत हो जाना, क्योंकि हमें यही सेम प्रोसीजर टिल एंड तक अपने घर के ऊपर दोहराना है। ओके गाइस, तो ये भी अपना काम कंप्लीट हो चुका है। पैसे डोर को बंद कर देते हैं यहाँ से। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, डोर बंद हो जाए यार प्लीज़। ओके, तो ये जो अपना काम है कंप्लीट हो चुका है। एंड अपना घर कुछ ऐसा लग रहा है। एंड अब हमें क्या करना है, आ जाना है पहले तो इस साइड पर। एंड यहाँ पर हमें कुछ ब्लैक स्टेन ग्लासेस को प्लेस कर देना है कुछ ऐसे। बेसिकली आप समझ ही गए होंगे कि हमें यहाँ पर ब्लैक स्टेन ग्लास का एक पेयर को क्रिएट करना, मतलब एक फ्रेम को यहाँ पर हमें क्रिएट करना है। एंड देन हमें यहाँ पर प्लेस कर देना है दो डोर कुछ ऐसे। ये अपना काम कंप्लीट हो चुका है। एंड देन हमें क्या कर देना है, यहाँ पर आ जाना है। एंड यहाँ पर हमें प्लेस करने हैं कुछ ओके प्लैंक्स, 3 ओके प्लैंक्स हमें यहाँ प्लेस करने हैं, 3 ओके प्लैंक्स हमें यहाँ प्लेस करने हैं। एंड बाकी की जो बीच वाली जो खाली जगह रह जाती है उसके अंदर हमें प्लेस करने हैं ब्लैक स्टेन ग्लास। ये सेम प्रोसीजर हमें यहाँ पर भी करना है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी मतलब जितनी साइड है ना अपने सेकंड फर्स्ट फ्लोर की, वहां पर हमें ये सीन रिक्रिएट कर देना है।
तो ये भी अपना काम कंप्लीट हो चुका है। एंड अब हमें क्या करना है, यहाँ पर निकाल लेने ग्लास पेन की एक लेयर, मतलब ग्लास पेन निकाल लेने हैं एंड अपने घर के मतलब अपनी जो गैलरी के चारों तरफ ब्लैक स्टेन ग्लास पेन को प्लेस कर देना कुछ ऐसे। एंड ये वाला जो काम है अपना हो चुका है कम्प्लीट। एंड अब हमें क्या करना है, यहाँ पर प्लेस करना है अपने घर में कुछ अपग्रेड ऐड करना, मतलब अपने घर को अपग्रेड करने के लिए हमें ब्लॉक ऑफ क्वार्ट्ज से कुछ ऐसे यहाँ पर हमें पिलर्स को क्रिएट कर देना है। एंड देन उल्टी स्टेयर मतलब उल्टी करके हमें स्टेयर को ऐसे यहाँ पर प्लेस कर देना है कुछ ऐसे। एंड सेमली हमें इसको यहाँ पर भी प्लेस कर देना है जस्ट लाइक दैट। एंड ये काम जो अपना डन हो चुका है। एंड अब हमें यहाँ पर कुछ स्लैब्स को भी प्लेस कर देना, आगे नहीं लाना, सिर्फ कुछ ऐसे हमें यहाँ पर स्लैब्स को प्लेस कर देना। एंड यहाँ का जो अपना काम है कंप्लीट हो चुका है। एंड सेमली बना हमें यहाँ पर, जैसे ही हम लोग आगे आगे काम को करते जाएंगे अपनी चीज़ें जो है और भी ज़्यादा डिफरेंट होती जाएंगी। अभी के लिए तो हमें यहाँ पर पिलर्स ही क्रिएट कर देना है कुछ ऐसे। एंड ऊपर हमें कुछ ऐसे यहाँ पर स्टेयर्स को प्लेस कर देना है। एंड देन हमें निकाल लेनी है लीफ। एंड यहाँ पर हमें लीफ को प्लेस कर देना, ओक की लीव लगाई है मैंने, आप चाहो तो कोई भी ट्री की लीव लगा सकते हो। एंड ये हो जाने के बाद गाइस हमें क्या कर देना है, यहाँ पर पहले तो हर एक ब्लैक वाली जो लेयर है उसके आगे हमें तो एक पिलर बना देना क्वार्ट्ज के ब्लॉक्स का कुछ ऐसे। एंड ये भी अपना काम जो कंप्लीट हो चुका है। एंड यहाँ पर हमें स्लैब्स की जो है स्लैब्स का इस्तेमाल करना है। एंड फिर हमें यहाँ पर प्लेस कर देने हैं कुछ थी जस्ट लाइक दैट। एंड ये भी अपना जो काम है कंप्लीट हो चुका है। बस हमें क्या करना है, यहाँ पर प्लेस कर देनी है एक स्टेयर्स, स्टेयर को प्लेस करना है हमें कुछ ऐसे है। नीचे एक, अभी क्या हो रहा है, नीचे एक स्लैब्स को हमें यहाँ पर प्लेस कर देना है, डन। तो ये भी आज से अपना काम जो है कंप्लीट हो चुका है। ओके, तो गाइस वही कंक्रीट ब्लॉक और स्टेयर्स वाला पैटर्न हमें यहीं पर रिक्रिएट कर देना है, यहाँ पर भी एक पैटर्न क्रिएट कर देना है। स्टेयर डन। ओके, तो अब हमें क्या करना है, अपने ऑब्वियसली बात है अपने फर्स्ट फ्लोर को भी अपग्रेड करना, कर देना स्टार्ट कुछ। यहाँ पर हमें लेयर को ले आना है एंड कुछ ऐसे हमें क्वार्ट्ज की लेयर को ले आना है। एंड यहाँ पर आ जाने के बाद हमें क्या कर देना है, यहाँ पर प्लेस करनी है हमें कुछ स्टेयर्स जस्ट लाइक दैट। एंड इसको आगे तक ले आना है एंड यहाँ से भी स्टेयर को अटैच कर देना है यहाँ से भी। ओके, तो ये तो अपना काम यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। एंड यहाँ से भी हमें इसी सेम प्रोसेस को कर देना है। यार यहाँ पर ब्लॉक ही लगेगा, ब्लॉक लगेगा ब्लॉक कुछ ऐसे। एंड अपने स्टेयर वाले काम को यहाँ पर हमें कंटिन्यू करना है कुछ ऐसे। एंड यहाँ पर भी स्टेयर्स को प्लेस करना था मुझे कुछ ऐसे। एंड यहाँ पर हमें इसको कनेक्ट कर देना है जस्ट लाइक दैट। एंड अपने घर के पूरे हिस्से पर घुमा के ले आनी है इन स्टेयर्स को। पहले तो मैं यहाँ पर इनको लाके कर देना कनेक्ट एंड देन दोबारा से यहाँ पर आना है एंड इसको दोबारा से कर देना कनेक्ट, दोबारा से सेम प्रोसीजर। एंड हाँ, इसको एक ब्लॉक और आ गया ना कुछ ऐसे। एंड दोबारा से हमें यहाँ पर पिलर को कर देना कनेक्ट कुछ ऐसे। एंड देन अपना काम यहाँ पर हो चुका है फिनिश, ऑलमोस्ट फिनिश तो नहीं हुआ है। एंड अब हो चुका अपना काम फिनिश। बस हमें क्या करना है, इस स्टेयर्स को तोड़ के यहाँ पर हमें प्लेस कर देनी है एक लेयर कॉबलस्टोन की, मतलब क्वार्ट्ज की। एंड देख पा रहे हो अपना घर जो है थोड़ा बहुत यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। एंड एंड इस वाले ब्लॉक को हमें तोड़ना है एंड यहाँ पर हमें पिलर को क्रिएट करना है कुछ ऐसे। आप बिल्कुल परफेक्ट है क्योंकि जब मैं अपना घर देख रहा था तब तो भाई मेरे को बिल्कुल सही लगा था, लेकिन अब ये ठीक बना है। तो गाइस अब हमें क्या करना है, अपने घर में थोड़ी बहुत फिनिशिंग ऐड करने के लिए पहले तो यहाँ पर हमें शवल मार देनी है। एंड देन हमें निकाल लेना है ऐसे ब्राउन कारपेट एंड यहाँ पर हमें ब्राउन कारपेट प्लेस करना है यहाँ पर। एंड अपने घर की एंट्रेंस पर हमें ब्राउन कारपेट को प्लेस कर देना है। एंड देन यहाँ से हमें कुछ ब्लॉक्स को ब्रेक करना है एंड इनमें हमें लगा देना है एंड टाइट या। एंड अब हमें क्या कर देना है, चले जाना है अपने घर के नीचे वाली साइड पर एंड अपने ऊपर आने का जो है ठिकाना बनाना है। पहले तो हमें क्या करना है, सीम अबे लग क्यों रहा बार बार, यहाँ से हमें स्टेयर्स को लगाना शुरू करना है एंड ऊपर तक ले जाना है ताकि भाई हम ऊपर भी तो जा सके ना। ऊपर वाला फ्लोर बेफालतू में ही बनाया फिर यार, तो हमने ऐसा तो नहीं हो सकता। ऊपर वाला थोड़ा सा हमें माला तोड़ना पड़ेगा यहाँ से। एंड यहाँ पर हमें स्टेयर को प्लेस करना है कुछ ऐसे। एंड ऊपर डन, ऊपर आने का भी हिस्सा प्रॉपर रेडी है। ओके, तो अपना घर जो आपने बनके कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको वीडियो पसंद, अबे मेरे को बाहर तो आ, ओके अब मैं आ सकता हूँ। ओके, लेकिन यहाँ पर अपना घर जो बनके कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर ना तो सब्सक्राइब जरूर करना। बाकी आज के वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।